सर ये बारकोड लेबलिंग सॉल्यूशन है, खास करके सिल्वर गोल्ड इमिटेशन ऑर्नामेंट्स में के लिए डेवलप किया है। और इसको स्पेशली इसका बेनिफिट क्या है कि आपको ये जहाँ पे यूज़ करना है वहाँ पे आपको लैपटॉप या कंप्यूटर की या कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की कुछ ज़रूरत नहीं। हम आपको कस्टमाइज इसमें इनबिल्ट सब करके देते हैं। कस्टमाइज आपको सिर्फ प्रिंटर कस्टमाइज चाहिए, कीबोर्ड और ये कंपेटेबल वेइंग स्केल चाहिए 10 mg 600 ग्राम। कस्टमाइज मीन्स कि आपका समझ लो कि कोई भी डेटा हो आइटम का, जितनी भी आइटम हो 100-200 आप हमें लिस्ट पूरा बना के दीजिए तो हम आपको इस तरह आपका माइक्रोपायल है या समझ लो कास्टिंग जुड़ा है, ऐसा कोई भी आइटम आपका आप लिस्ट बना के देंगे तो हम ये प्रिंटर में आपको सेव करके देंगे। सेव मीन्स के आपका वो एक नंबर पे ये आइटम सेव है, दो नंबर पे ये आइटम सेव है, तीन नंबर पे ये आइटम सेव है। आपको सिर्फ आइटम जो भी पैकिंग चल रहा है वो आइटम सिलेक्ट करना है और आप डायरेक्ट कांटे पे वेट रखेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक वो जैसे वेट स्टेबल होगा ये प्रिंट ले लेगा। अभी आपको फिजिकल ये आपको वीडियो में हम दिखाएंगे कैसे ये वर्क करेगा। सबसे पहले आपको ये प्रिंटर को फर्स्ट टाइम सेटअप करना है, जैसे यहाँ से पीछे से ऑन करना है, ऐसे पीछे से प्रिंटर ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपको ये पहले न्यूमेरिक लॉक ऑन करना है और कैप्स लॉक ऑन करना है। फिर आपको फर्स्ट टाइम ऑपरेट कोड सेट करना होता है आपका, एक समझ लो कि आइटम्स चल रहा है तो आपको ऑपरेटर कोड के लिए ओ फिर एंटर फिर जी ऐसे सेट करके एंटर दबाना है। फिर आपको इसका कोई वेट, लेस वेट सेट करना है, समझ लो कि 10 ग्राम 12 ग्राम या ऐसा जो भी है तो आपको लेस एंटर और समझ लो कि 10 ग्राम सेट करना है तो 10 और एंटर। फिर आपको इसका टच कुछ सेट करना है तो टच एंटर और जो भी आपको कोड डालना है वो आप कोड डाल सकते हैं, उसके बाद एंटर। फिर आपको आइटम सिलेक्ट करना है, आइटम के लिए आई एंटर और समझ लो कि अभी मैं सीरियल नंबर 1 आइटम सिलेक्ट कर रहा हूँ तो आपको 1 और एंटर दबाना है। 1 एंटर के बाद आपका आइटम सिलेक्ट करने के बाद आपको कांटे पे वेट रखना है। वेट रखने के बाद जैसे ही वेट स्टेबल होगा यहाँ से वो प्रिंट का कमांड ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये आप देख रहे हो यहाँ से डायरेक्ट ये आ गया। अभी आपको समझ लो कि ये आइटम हो गया। अभी दूसरा आइटम हम PLU 2 नंबर का आइटम सिलेक्ट कर रहे हैं, जैसे समझ लो कि अभी 2 नंबर, तो यहाँ पे आपको आई एंटर और 2 ऐसे सिलेक्ट करके एंटर करना है। फिर इसके ऊपर वेइंग स्केल के ऊपर आपको मटेरियल रखना है, यहाँ जैसे वेट स्टेबल होगा ये डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट निकल जाएगा। इसी तरह ये अभी समझ लो कि थर्ड आइटम हमें करना है, थर्ड आइटम हमें तो आइटम आई एंटर और 3 के बाद एंटर प्रेस करना है। ये थर्ड आइटम हमने रखा और ये डायरेक्ट यहाँ से ये थर्ड प्रिंट भी निकल गया, आप देख सकते हो। फिर ये थर्ड आइटम भी है ये कांटे से हटा लिया। फिर ये हमने फोर्थ आइटम के लिए आई एंटर 4 और एंटर, इसके बाद ये देख सकते हो ये हमने फोर्थ आइटम रखा। फोर्थ आइटम के बाद ये आप फोर्थ वाला प्रिंट निकलेगा। ये फोर्थ वाला अभी पांच नंबर का आइटम हम करेंगे। 5 के लिए आपको पहले ये रिमूव कर देना है आई एंटर 5 और उसके बाद अगेन एंटर। ये 5th आइटम है। ये हमने 5 आइटम रखे जो ये अलग अलग समझ लो कि जो है वो PLUS जैसे भी आपने सेव किया है वैसे ही वो निकलता जाएगा। आपको कुछ क्वेरी हो तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके हमारा कॉन्टैक्ट कर सकते हो।